हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम बानो किचन। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे थे तंदूरी चिकन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सब मेंशन कर दिए हैं मसाले। तो उस पर सारे मसाले डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको गैस पे इस तरीके से खुला पकाएंगे, क्योंकि मसाले जो हैं हमारे चिकन में अच्छे से अब्जर्ब हो जाए। तो देखिए, यहाँ मैं 5 से 10 मिनट तक करीबन ये तंदूर में बनाऊंगी। मैं पहले चिकन को मैं अच्छे से गला लूँगी, उसके बाद मैं तंदूर में लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ जो सारे मसाले डाले थे मैंने, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल इसका पानी जो है, चिकन ने जो पानी छोड़ा है उसका पानी को हम खुशक होने देंगे। तो इसी तरीके से हम पकाएंगे इसको, ऐसे अलट पलट करते रहेंगे। इसमें क्या रहता है कि हमारा चिकन भी गल जाता है और अपने अच्छे से तंदूर में पक भी जाता है। ये देखो, खुशक हो गया। मैंने तंदूर की ट्रे में सारा मसाला मैंने चिकन में आ चुका है एकदम से, और अब्जब हो गया है। और अब मैंने तंदूर की ट्रे में सारा चिकन लगा दिया है और अब मैं इसको तंदूर में सेकूंगी। तो देखिए, माशाल्लाह कलर देखिए कितना अच्छा आया है, मेरे मुंह में मज़ा आ गया था यानी खा के सबको हमारे घर में। तो अब ये मैंने तंदूर में लगा दिया है। अब मैं तंदूर को मैंने पहले फ्रीट कर लिया था तंदूर को, उसके बाद मैंने देखी, चेक कर रही हूँ मैं तंदूर में। तो देखिए, थोड़ा चटर पटर होने लगा है ये। अब मैं इसको अलट पलट कर दूँगी थोड़ा सा, और नीचे से ये जो नीचे का सेक गया है उसको ऊपर कर दूँगी। अलट पलट करने के बाद देखिए, मैंने अलट पलट कर दिया। उसके बाद मैं और एक दो चार मिनट और रखूँगी, उसके बाद फिर मैं आप बंद करके और खुल के देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने कर लिया था, हो चुका है। उसके बाद मैंने सारे पीसेस को निकाल के इस तरीके से गैस पे, मेरे घर में कोयले तो थे नहीं आजकल, आपको पता है कोयले मिलना मुश्किल है, तो कहाँ रखे क्या करें। तो मैंने इसी तरीके से कराया, मैंने सारे पीसेस को गैस की थोड़ी सी यानी कि फ्लेम पे तेज़ करके इसको इस तरीके से सेक लिया है। हल्का सा चिकन तो गल चुका है, इससे कि ये एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी के तरीके से सारे पीसेस को मैं ऐसे कर लूँगी, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए इस रेसिपी को, बहुत सिंपल और ईजी होती है। तो आप ट्राई करें इसे, और ट्राई करें इसी तरीके से सारी बोटियों को। उसके बाद एक एक करके मैंने सारी बोटियाँ इसी के तरीके से कर ली है। फिर मैं एक फ्रेम में रखती जा रही हूँ सारी बोटियों को। तो माशाल्लाह से देखिए, हो चुकी है तैयार मेरे चिकन तंदूरी। यहाँ मैंने चटनी बनाई है। चटनी की रेसिपी पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पर है। यहाँ बटर मेल्ट हो चुका है, ऊपर से मैं डाल दूँगी ये मेल्टेड बटर। तो ये चिकन इससे हमारा और जूसी हो जाएगा। पहले हमने इसके अंदर तेल तो डाल ही रखा है, और जो बटर डालने से है कि और चिकन और जाएगा उससे। देखिए, माशाल्लाह से ये रेडी है हमारा चिकन तंदूरी। तो माशाल्लाह से इसे चपाती रोटी और शीरमाल के साथ खाएं। तो देखिए, सब रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। बहुत डिलीशियस बनाता, यम्मी बनाता। प्लीज़ आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरी ऐसी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी जो रेसिपी है वो आपको मिल सके। मैं अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर मेरे। ओके, अल्लाह हाफिज़।